सो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आप सभी ये जानते हैं कि हम लोग यहां पे क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसका ये चैप्टर नंबर 4 है। और बच्चों, अगर आप एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये आपको चैप्टर नंबर 4 दिखेगा, लेकिन अगर किसी दूसरी बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बच्चों ये चैप्टर नंबर आपको कुछ और दिख सकता है। तो हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, इसलिए ये हमारा चैप्टर नंबर कौन सा है बच्चों? 4 नंबर हमारा चैप्टर है, और जिसमें आज हम 2 निगमन करने वाले हैं। मैं फिर आपको बता दूं, ये जो दूसरा वाला निगमन है ना, 2 समांतर धारावाही तारों के बीच में बल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है और इस पर न्यूमेरिकल भी आता है। तो आज के सेशन में हम इस पूरे डेरिवेशन को, दोनों को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद एक न्यूमेरिकल भी करेंगे बच्चों। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं, क्योंकि गुरुजी हैं तो संभव है। लेकिन इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं एक दो कमेंट की थोड़ा सा रिप्लाई करना चाहता हूं बच्चों। यहां पे कुछ बच्चे जो है वो कमेंट किए 2-3 दिन पहले कि सर क्या मेरा सिलेबस टाइम से कवर हो जाएगा। तो बच्चों, मैंने आपको 12th क्लास की फिजिक्स कंप्लीट करने का वादा किया है, तो बच्चों कंप्लीट करेंगे और बहुत टाइम से कर देंगे, उसमें आप बेफिक्र रहो, ठीक है। अगर आपको अच्छा कंटेंट थोड़ा सा लेट भी मिलता है तो आप थोड़ा सा इंतजार कर सकते हो, है ना। शुरू करें फिर आज के सेशन को। चलिए, तो हमारा पहला है, जब कोई धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके ऊपर कितना बल लगता है। तो यहां पे हम जो निगमन आज करने वाले हैं वो निगमन सर कौन सा है? तो बच्चों, वो जो निगमन है वो है एफ बराबर आई बी एल, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, आई बी एल साइन थीटा। एक ये वाला करने वाले हैं, और दूसरा बच्चों जो हम लोग करने वाले हैं सर, दूसरा जो करने वाले हैं वो हमारा दूसरा वाला जो है वो है एफ अपॉन एल, और उसके बाद म्यू जीरो अपॉन टू पाई आई वन आई टू और अपॉन में आर। ये वाला हम लोग यहां पे निगमन करने वाले। शुरू करें फिर आज हम लोग इस सेशन को। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो आप लोगों ने देखा कि ये कौन कौन से आज यहाँ पे निगमन कंप्लीट करने वाले हैं सीएम सर। तो पहले वाले को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि कोई भी हमारे पास एक चालक तार है, कोई भी हमारे पास एक चालक तार है, और उसको क्या कर दिया गया है, एक चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया गया है, ठीक। और उसके बाद जिस चालक के सिरों को बैटरी के ध्रुवों से जोड़ दिया जाए। तो मान लीजिए कि हमारा कोई एक चालक तार है, ठीक है, मेरा एक कोई क्या है, चालक तार है, और वो इस चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। तो मैंने ये क्या बना दिया है, ये चुंबकीय क्षेत्र बना दिया गया है हमारा, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमारी ये हो गई, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों, जिसको हमने क्या बनाया, ये चुंबकीय क्षेत्र, डन। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद अब हम एक चालक तार लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक चालक तार लेंगे और उस चालक तार को हम ऐसे यहाँ पे बना देंगे, ठीक। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, चालक तार हो गया। ये जो चालक तार बनाया है, इस चालक तार की जो लंबाई है सर, लंबाई कितनी है इस चालक तार की, इस चालक तार की लंबाई जो हमने बताई वो कितनी बता दी बच्चों, L। ये चालक तार की लंबाई कितनी है, L। तो ये एक और लाइन बना देते हैं, और उसके बाद इस चालक तार की लंबाई L है, तो यहाँ पे बना दिया हमने, ये चालक तार की लंबाई L हो गई, ओके बच्चों। इस चालक तार में आई एम्पियर की धारा बह रही है, तो हमने बता दिया कि इस चालक तार में आई एम्पियर की धारा बह रही है। इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें एक हमारा तार रखा हुआ है जिसकी लंबाई L है और इसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है। क्लियर हुआ? चलिए समझते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि चालक तार है, ये इसमें किसकी दिशा है बच्चों, ये किसकी दिशा है, धारा की दिशा ऊपर की ओर, और उसके बाद ये हमारी जो उंगलियाँ हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, तो इस पर एक बल कार्य करेगा इस चालक तार पर, और जिसकी दिशा अंदर की ओर होगी। क्यों? क्योंकि हमने एक नियम पढ़ा था, हथेली वाला नियम, कि ये हमारा हाथ है और ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, और उसके बाद ये हमारा अंगूठा किसकी दिशा को बता रहा है, धारा की दिशा को, और हथेली बताएगी क्या बच्चों, इस पर लगने वाले बल की दिशा। तो जो यहां पर बल लगेगा वो अंदर की ओर होगा, समझ गए, अंदर की ओर एक बल कार्य करेगा, क्लियर। अब ये जो चालक तार रखा गया है, ये चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण बनाते हुए रखा गया है बेटा, ये थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, इतना हमने मान लिया। अब चलिए पढ़ते हैं ऊपर। बच्चों, जब कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है
जब किसी चालक के सिरों को बैटरी के ध्रुवों से जोड़ दिया जाता है, बैटरी तो यानी बनाया नहीं मैंने, समझ लो कि इसमें धारे बह रही है तो बच्चों बैटरी से जोड़ा ही गया होगा, तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित अनुगमन वेग से गति करने लगते हैं। ये कहाँ पढ़ा है? पिछले चैप्टर में, कि जब किसी भी एक चालक तार को बैटरी के ध्रुवों से जोड़ते हैं तो उसमें अनुगमन वेग से वो इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं। और अनुगमन वेग को क्या पढ़ा था आपने? वीडी से लिखा जाता है, ठीक है? किससे लिखा जाता है? वीडी से लिखा जाता है। ये बात आपने पहले भी पढ़ रखी है बच्चों, है ना? वीडी से गति करने लगते हैं, जिसे हम लोग अनुगमन वेग या अपवाह वेग के नाम से जानते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। कि ये जो पूरी प्रोसेस होने लगी तो मतलब धारा बहने लगी अगर इलेक्ट्रॉन गति करने लगे। कौन से इलेक्ट्रॉन गति करने लगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर गति करने लगे तो धारा बहने लगी, ऐसा ही हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों। आगे देखो क्या करते हैं। माना एल लंबाई का चालक, यहां कैपिटल है आप स्मॉल कर लेना, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। अब ये जो चालक तार है इसका कहीं ना कहीं अनुप्रस्थ काट होगा, तो ये बच्चों अनुप्रस्थ काट, जैसे मान लो ये चालक है, इसका ये वाला जो क्षेत्रफल होता है ना, ये वाला, ये हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक? तो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? ए, हमने वो भी लिख दिया। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, देखो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें चालक तार को रख दिया। और कैसे रखा है? थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, देखो थीटा कोण। माना चालक के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? एन। प्रति एकांक आयतन में मतलब अगर इस चालक तार का आयतन कितना है? एक। एक आयतन है अगर, मतलब एक क्या मीटर क्यूब आयतन अगर इसका है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन है। तो अगर दो आयतन हो जाएगा तो दो एन हो जाएगा, तीन हो जाएगा तो तीन एन हो जाएगा, चार होगा तो चार एन हो जाएगा। अगर एल हमारा है लंबाई, तो फिर हम आगे भी देखते हैं क्या होने वाला है, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है और इलेक्ट्रॉनों का वेग कितना है? वीडी है। इतना समझ में आ गया, हमें उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम ना लिखना शुरू करते हैं, आप लोग जरा ध्यान से सुनना। तो बच्चों मैं लिख रहा हूं कि बहुत अच्छे से देखिए, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लीजिए, कि चालक में एक सेकंड में प्रवाहित धारा, चालक में एक सेकंड में प्रवाहित धारा, ये सब पहले से क्यों लिख लिया? ताकि समय बचेगा बेटा। एक सेकंड में जो प्रवाहित धारा होगी वो कितनी होगी? हमें पढ़ रखा है कि एक सेकंड में जो प्रवाहित धारा होगी वो होगी आई बराबर एन ई ए वी और उसके बाद डी, जहां एन क्या है? एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश, ए क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और वी क्या है? बच्चों ये हमारा अनुगमन वेग होता है, वीडी, ठीक। अब ये हमारा हो गया पहला समीकरण। ये हमने क्या निकाल लिया है? चालक में एक सेकंड में कितनी धारा प्रवाहित होगी। हाँ, आगे बात करते हैं। अब देखो ये चालक जो है इस चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जब किसी चालक को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके ऊपर एक बल कार्य करता है, जिसे हम लोग कौन सा बल बोलते हैं? लॉरेंज बल। और जो फॉर्मूला क्या होता है? एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। क्लियर हुआ इतनी बात? तो हम लोग यहां लिखेंगे कि यदि किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, यदि किसी चालक, और ये चालक कैसा है? आवेशित, यहां ऐड कर लो आवेशित बेटा, ये कैसा है? आवेशित, क्योंकि इसमें आवेश तो है ही ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना। तो यदि किसी चालक को, आवेशित चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो तब उस पर एक बल कार्य करता है बेटा, ठीक है? उस पर एक बल कार्य करता है, और अगर इस पर एक बल कार्य करेगा है ना, तो वो कौन सा बल होगा? ये बात ध्यान से सुनिए। ये चालक का आवेश कितना है बेटा? ई है, देखो यहां पे ई है, ये देखो लिखा भी है, ठीक। तो इस पर एक बल कार्य करेगा, और वो बल हमने मान लिया कि एफ डैश, और उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है बल का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू V और B और उसके बाद साइन थीटा, ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है, ठीक। तो हमने लिखा Q V B साइन थीटा, क्लियर। तो अब Q तो है नहीं, तो हमने इसको लिखा E, V हमारा क्या है? VD है यहाँ पर, B तो B है, और उसके बाद फिर क्या हो गया बेटा? साइन थीटा।
बोलो क्या इतनी ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई या नहीं। ठीक है, हमें उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप लोग प्लीज़ एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ कुछ लिखने जा रहा हूँ कि यदि यदि इस चालक का आयतन, अब आयतन कैसे निकालोगे, चालक कैसा है बेटा, बेलनाकार। ध्यान से सुनिएगा, चालक कैसा है, बेलनाकार। हमने पढ़ा कि ये इसका क्या है, क्षेत्रफल, जो कि होता है कितना है, पाई आर स्क्वायर, तो हमें उसके फिलहाल मतलब नहीं है। और इसकी लंबाई कितनी है, एल। और अगर ध्यान से सुनो मेरी बात, तो ये बेलन जैसा है, और बेलन का आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल को, इस क्षेत्रफल को मतलब पाई आर स्क्वायर को इस ऊंचाई से मल्टीप्लाई करते हैं, तब पाई आर स्क्वायर एच बनता है। तो इसीलिए इस क्षेत्रफल को एल से मल्टीप्लाई करने पर उसका आयतन निकल आएगा। बात समझ में आएगी? नहीं नहीं समझ में आया, फिर से सुनो, ये पाई आर स्क्वायर होता है, और एल की जगह अगर एच कर दें तो ये पाई आर स्क्वायर एच बन जाएगा। देखो मैं बहुत ज़्यादा डीप में जा रहा हूँ बच्चों, तो इसीलिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ए को एल के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब क्षेत्रफल को लंबाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आयतन बन जा रहा है। तो यदि इस चालक का आयतन ए एल है, तब ए एल है, तब चालक के पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी बेटा, बोलो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n a l होगी। हमें उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि पूरे चालक में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, n l होगी। अतः चालक पर लगने वाला बल, अतः चालक पर लगने वाला बल, अब सुनिए इस चालक पर कितना बल लगेगा, वो हमने माना कि F बराबर, अभी हमने क्या कौन सा बल निकाला था इसके पहले, ये कौन सा बल था कि यदि किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर कितना बल लगता है, ये हमने निकाल लिया। और ये कब निकाला था, जब एक इलेक्ट्रॉन था, है ना। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब तो बच्चों कितने हो गए टोटल, तब पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन ए एल हो जाएगी। तो हम इससे क्या करेंगे, उसको गुणा कर देंगे, है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि अतः लगने वाला बल एफ डैश, और ये क्या था, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, एक इलेक्ट्रॉन पर बल, और उसके बाद गुणा कर देंगे हम कुल इलेक्ट्रॉन, कुल जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं भाई, एफ डैश और मल्टीप्लाइड बाई एन ए एल। तो हम यहाँ काम क्या करते हैं बच्चों, डायरेक्ट रख देते हैं, एफ डैश की वैल्यू क्या थी बच्चों, यहाँ से देखो, ई वी डी बी साइन थीटा, क्या है, ई वी डी बी, और उसके बाद माय डियर साइन थीटा। और अब क्या करेंगे, कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कुल इलेक्ट्रॉन है एन ए एल। बोलो क्लियर हुआ, ये बहुत आसान है। अब सुनिए, एफ, हमने एफ को एफ कर दिया। अब ध्यान से देखो, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, आई बराबर एन ई ए वी डी, जो अभी हमने लिखा था कि इतनी धारा बहेगी, ठीक। तो जब ये फॉर्मूला हम जानते हैं तो हम इसी के अकॉर्डिंग कुछ काम करने वाले हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एन को ढूंढा इसमें से, फिर ई को ढूंढा, देखो एन मिल गया, और उसके बाद फिर एन के बाद ई को ढूंढा, और उसके बाद ए को ढूंढा, और बच्चों उसके बाद हमने वी डी को ढूंढा, इनको पास पास लिख लिया। अब बचा क्या क्या, देखो ई चला गया, वी डी चला गया, बी बचा, एल बचा, और साइन थीटा बचा, आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक। अब हमने क्या किया यार, ये जो दिया था ये तो कौन है, आई, ये पूरा का पूरा कौन है, आई, और ये क्या है, बी और एल, और उसके बाद साइन थीटा, और ये हमारा पूरा का पूरा निगमन प्रूफ हो गया। बोलो क्लियर हुआ ये बात, है ना आसान, बताइए क्या ये बात समझ में आ गई, कितना तो आसान है, है ना। अब हम क्या करते हैं, ये पूरा यहाँ से हटाते हैं बच्चों, और अब हम ना आपको ऐसा दिखाएंगे, ऐसा बताएंगे हम आपको कि आप एक बार में पूरा समझ जाओगे, है ना, एक बार में पूरा समझ जाओगे, ऐसा कुछ करेंगे। तो सबसे पहले हम इनको ऊपर पहुँचा देते हैं, ठीक है, ये नया हमने जो है सॉफ्टवेयर किया है, तो इस वजह से हो सकता है थोड़ा बहुत
इसमें लैगिंग वगैरह आ जाए। चलो इतना समझ में आ गया, क्लियर हुआ। अब किया क्या था पहले वो समझो। सबसे पहले हमने बताया आपको कि कोई भी चालक अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो उसमें क्या होगा बच्चों, एक बल कार्य करेगा, ठीक। और चुंबकीय जिसकी दिशा अभी अंदर की ओर है, अगर ये हमारा चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, धारा की दिशा इधर है, तो बल लगेगा जिधर हथेली बताएगी, ठीक। समझ में आया इतना, क्लियर। उसके बाद हमने बताया कि अगर ये एक सेकंड में कितनी धारा प्रवाहित होगी, NEAVD, इतनी धारा प्रवाहित होगी जो हमने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में। फिर हमने बताया यदि किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, उस बल को हमने मान लिया कि FEVDBsinθ। लेकिन ये तो एक इलेक्ट्रॉन पर बल कार्य कर रहा है ना, तो आप यहाँ एक लाइन और ऐड कर सकते हो, यदि इस चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल FEVDBsinθ। और इतना करने के बाद फिर हमने क्या किया, इसका आयतन, यदि इसका आयतन AL है तब पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या NAL होगी। भाई सुनिए, एक जो हमारा था एकांक आयतन में संख्या N थी, तो अगर दो आयतन हो जाएगा तो 2N हो जाएगी, AL हमारा कुल आयतन है तो उससे हम गुणा कर देंगे। क्लियर हुआ, आई बात समझ में। अब उसके बाद क्या किया, अतः चालक पर लगने वाला बल, एक इलेक्ट्रॉन पर बल और कुल इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई कर दिया, ये फॉर्मूला बना दिया और इसको ऐसे अरेंज करके लिखा कि ये बन जाए। समझ में आई बात। अब इसमें हम कुछ केस पढ़ेंगे। अब हमारा पहला नंबर केस, अब ध्यान से देखना, कुछ केस पढ़ेंगे जिसमें से पहला है कि यदि थीटा का मान कितना हो जाए बच्चों, 0 डिग्री। सर इसका क्या मतलब है, थीटा का मान 0 डिग्री का क्या मतलब है? बेटा थीटा का मान अगर 0 डिग्री की बात कर रहे हैं तो ये जो चालक तार है ना उसको ऐसे रखने की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना, ठीक है, उसको ऐसे रखने की बात कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, उसको ऐसे रखने की बात कर रहे हैं, ऐसे, ठीक। एक मिनट, मैं कलर चेंज करके फिर से बनाता हूँ, इसको ऐसे रखने की बात कर रहे हैं, ऐसे। भाई 0 डिग्री का कोण बनेगा तो बात तो यही हो गई है ना, इसको ऐसे रखने की बात कर रहे हैं तो 0 डिग्री का कोण बनेगा। तब क्या होगा सर, तब क्या होगा, तब रुकिएगा माय डियर, तब क्या होगा, तब आप अगर f का मान निकालोगे तो साइन 0 का मान तो 0 ही होता है ना, तो हम लोग लिखेंगे कि अतः साइन 0, साइन जो 0 डिग्री आएगा वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर ये 0 हो गया, साइन 0 का मान, तो पूरा का पूरा 0 हो गया। इस स्थिति में इस पर कोई भी बल नहीं लगेगा जब हमारा थीटा का मान 0 होगा। इतनी बात समझ में आ गई, ये पहला केस था। दूसरा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला केस, उसको समझिए, केस नंबर टू ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। ध्यान से देखो बेटा, केस नंबर टू क्या कहता है, ये कहता है कि यदि थीटा का मान कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, थीटा का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री, तब क्या होगा, तब साइन 90 डिग्री का मान तो 1 हो जाता है और इस केस में जो बल आएगा वो आएगा बेटा कितना, आई बी और एल, और साइन 90 का मान 1 है तो वो खत्म हो जाएगा। भाई साइन 90 का मान 1, उसको हटा दिया, ये जो बल निकला है इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा बल का जो मान निकलेगा ये सबसे ज्यादा निकलेगा, ये मैक्सिमम बल होगा। तो ये कभी कभी बहुविकल्पी भी पूछ लिया जाता है कि अगर किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके ऊपर मैक्सिमम बल कब कार्य करेगा, तो बच्चों कब कार्य करेगा, जब उसको हम लंबवत रखेंगे। लंबवत का अर्थ सर क्या हो गया, सर लंबवत का एक बार आप अर्थ बता दीजिए, लंबवत का मतलब डियर ये हो गया, ऐसे सुनिएगा, लंबवत का अर्थ ऐसे हो गया, ऐसे रख रहे हैं इसको, ऐसे चालक तार को ऐसे रखा जा रहा है, ठीक, और यहां पे जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। बात समझ में आ गई, हमें उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है, और इसमें धारा जो बह रही है वो आई बह रही है। इस तरीके से हम लोगों ने अपना ये पूरा जो निगमन था वो खत्म कर लिया है बच्चों। अब हम बात करेंगे दूसरे निगमन की,
लेकिन उसके पहले जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी जल्दी से एक एक करके सभी लोग ले लो बच्चों, ठीक है, ले लिया। अब हम इसकी बात करते हैं, ये हमारा दूसरा निगमन है। क्या कह रहा है, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये बात सबको पता है कि जब कोई धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ये बात क्लियर है। चलिए अब हम जरा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया, हमने एक चालक तार बनाया। कैसे बनाया सर चालक तार, जरा ध्यान से देखो। मान लो कि ये हमारे पास दो चालक तार है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, ठीक, ये चालक तार नहीं है, मैं कुछ और बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो। अब मान लो कि मेरे पास ये एक चालक तार है, ये क्या है, एक चालक तार है। अब क्या किया बच्चों, इसमें धारा प्रवाहित कर दिया मैंने, इसमें क्या कर दिया, धारा प्रवाहित कर दिया। अगर इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, होगा कि नहीं, है ना। अब हम क्या करते हैं, एक और तार लाके इसके पास में रख देते हैं, एक और तार लाके हम इसके पास में रख लेते हैं, तो भाई इसमें भी धारा बह रही है। लेकिन कंडीशन यह है, कंडीशन यह है, ध्यान से सुनना बेटा, कंडीशन यह है कि हम इसको दो केस में बनाते हैं। एक केस नंबर वन और एक केस नंबर टू। सर क्या कह रहे हो आप, मतलब ये केस की बात नहीं समझ में आई। चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम, ध्यान से सुनिएगा बेटा, बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ाएंगे हम आपको। मान लीजिए कि ये हमारे पास ये दो चालक तार को फंसाने के लिए हमने क्या बना दिया है, हमने दो चालक तार को फंसाने के लिए ऐसे दो चालक तार हो गए, ठीक। अब आप सोच रहे हो सर ये चालक तार ऐसे स्लिम कैसे हो गए बीच से। देखो बेटा ध्यान से सुनो मेरी बात, जब प्रयोगों में देखा गया कि अगर चालक तार में धारा दोनों में ऊपर की ओर बह रही होगी, अगर दोनों में एक तरफ धारा बह रही होगी यानी ऊपर की ओर बह रही होगी या फिर नीचे की तरफ, दिशा समान होनी चाहिए, तब इनके बीच में आकर्षण बल लगता है। मतलब एक तार ये है एक तार ये है, अगर धारा एक ही दिशा में बह रही है तो आकर्षण बल लगता है, समझ गए ना। और ऐसे ही होता भी है यार, समझ रहे हो ना, अगर एक ही फीलिंग वाले दो लोग मिल जाते तो आकर्षण बल तो होना ही होना है, तो ये हो गया आकर्षण बल। लेकिन सर अगर हम इसमें धारा की दिशा को बदल दें तो क्या होगा, ये सारी कहानी ऊपर लिखी है, अगर सर हम इसमें धारा की दिशा को बदल दें तो क्या होगा, ठीक। अब इसमें सर धारा की दिशा को बदल दें तो क्या होगा, एक धारा ऊपर को बह रही है और एक धारा नीचे को बह रही है, सर इस केस में क्या होगा। बेटा ध्यान से सुनना एक बात, ये रियल लाइफ का भी एग्जाम्पल है, ये रियल लाइफ का भी एग्जाम्पल है कि जब जब एक पुरुष, जब एक पुरुष अपनी पत्नी की बात मानता है, उसी की राह में चलता है तो आकर्षण बल बना रहता है। लेकिन जैसे ही पुरुष कहेगा मैं इधर चला तुम उधर चली, भैया फूल जाएंगे। मतलब क्या हो रहा है, इनके बीच में प्रतिकर्षण बल होने लगा, ये डेली लाइफ का भी एग्जाम्पल है। तो जैसे ही धारा विपरीत हुई फूल गए, समझ में आई बात, मतलब प्रतिकर्षण बल लग रहा है। इसका यह मतलब हुआ कि इनके बीच में जो ये बल लग रहा है ये आकर्षण बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है बेटा, आकर्षण बल। और इनके बीच में जो बल लग रहा है वो कौन सा बल लग रहा है, वो लग रहा है प्रतिकर्षण बल। ये कैसे देखा गया, ये प्रयोगों से देखा गया, लेकिन अब हम आपको हाथ से देखकर बताएंगे कि कैसे ये हुआ। उसके लिए देखो केस नंबर वन, केस नंबर टू, ये केस नंबर वन है, केस नंबर टू है। आपको करना क्या, ये दोनों फिगर बनाने हैं, ठीक, समझ में आ गई बात, ये दोनों फिगर बनाने हैं, क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक। आपको अच्छे से बनाना है, इसमें आकर्षण बल और इसमें प्रतिकर्षण बल। अब सुनिए, क्या इतने से काम चलेगा, नहीं, पहले इसको पढ़ेंगे। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यदि हम इस चालक के समीप एक दूसरा चालक रख दें तो पहले वाले चालक के कारण, पहले वाले चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण, भाई क्या करेगा ये चालक, इस पे चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। मान लो यहां पे धारा ये बह रही है और इसके कारण यहां पे कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, जिसको हम अभी आगे समझेंगे, तो उसके कारण एक बल अनुभव करता है, ठीक है। इसी प्रकार पहला धारावाही चालक दूसरे धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल का अनुभव करता है। मतलब पहला धारावाही चालक
दूसरे धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो वो भी एक बल का अनुभव करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल यही बल का अनुभव करता है या फिर यही करता है, दोनों करते हैं। इस चालक तार के कारण इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसके कारण इस पर बल उत्पन्न होगा, और इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र जो इस चालक तार में धारा बह रही है, उसके कारण जो इस पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसी के कारण ये जो दूसरा वाला चालक तार है, ये एक बल का अनुभव करेगा। मेरी बात नहीं समझ में आई तो ऐसे समझो, मान लो ये दो हैं ऐसे, ठीक, हमने बोला कि इसमें आई धारा बह रही है, तो यार इसके कारण जो इस पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इस धारा आई के कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र होगा उत्पन्न, और फिर ये एक बल का अनुभव करेगा अंदर की ओर या बाहर की ओर, वो अलग की बात है। समझ गए? अब क्या हुआ, इसमें आई टू धारा बह रही है, इसके कारण इस पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और उसके बाद अब ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की वजह से ये जो है होगा एक बल का अनुभव करेगा। भाई ये क्या करेगा, एक बल का अनुभव करेगा। तो ये बात हमको पढ़नी है, तो हमें उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात, ठीक। अतः स्पष्ट है कि पास पास रखे दो धारावाही चालक एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। क्लियर हुआ, आया समझ में, आगे बढ़े। चलो अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और अब हम यहां समझते हैं। माना दो लंबे समांतर सीधे तार PQ और RS निर्वात में पास पास रखे गए हैं। तो हमने क्या किया, हमने दो तार लिए, एक तार ये और एक तार हमने ये लिया। बच्चों हमने कितने तार ले लिए, दो, ये दो तार हमने बना लिया, ठीक है, आपको भी समझ में आ गया होगा ये दो तार हैं। अब एक का नाम क्या है, PQ, तो इसका नाम हमने दिया है PQ, और इसका नाम हमने दिया है R और S। ध्यान से समझना, जब तार में धारा प्रवाहित की जाती है तब यह एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। भाई अगर इसमें मान लो धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, नीचे हम लिख रहे हैं, ठीक है बच्चों, इसमें I1 धारा प्रवाहित हो रही है, तो और इस पे कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, I2, तो एक दूसरे पर ये बल आरोपित करेंगे, यह इस पे बल लगाएगा, वो उस पे बल लगाएगा। आई बात समझ में? फिर देखो क्या हुआ, प्रयोगों में देखा गया जब दोनों तारों में धारा एक तरफ बहती है तो ये आकर्षण बल लगाते हैं, जब धारा विपरीत दिशा में बहती है तो ये प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या हो रहा है, ठीक। हमने मान लिया कि ये धारा बह रही है और यहां पे बच्चों एक हमने बिंदु माना है, और माना हमने कि देखो अब धारा इसमें बह रही है तो इसमें बल कैसे कार्य करेगा। ध्यान से देखना, हमने अपना ये वाला हाथ लिया दाहिना, और ऐसे देखो ये ऊपर की ओर धारा बह रही है, ये चुंबकीय क्षेत्र होगा। ध्यान से देखो बेटा, ये चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये धारा ऊपर की ओर बह रही है, ठीक। अब जिधर मेरी हथेली है, किधर है, बोर्ड की तरफ, तो अंदर की तरफ क्या कार्य करेगा, अंदर की तरफ क्या कार्य करेगा, अंदर की तरफ एक बल कार्य करेगा। बात समझ आ गई, अंदर की तरफ एक बल कार्य करेगा। क्लियर हुआ, हमें नहीं लगता कि आपको अभी भी समस्या है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखो क्या हुआ, यहां पे हमने कहा अंदर की ओर एक बल कार्य करेगा, और उसके बाद अब इसके कारण यहां एक क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो इसके कारण जो यहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो कितना है बच्चों, B1। बोलो क्या ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई, क्लियर हुआ, ठीक। अब देखो क्या करोगे, अब ये जो बल कार्य कर रहा है हमने उसकी दिशा बना दी ऐसे F, ठीक, क्लियर हुआ। अब देखो क्या करते हैं, अब हम यहां लिखेंगे कि चालक तार PQ के कारण चालक तार RS के किसी बिंदु पर उत्पन्न क्या निकालेंगे बेटा, चुंबकीय क्षेत्र। यह हम ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं कि चालक तार, इसको यार थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं, ठीक, चालक तार PQ के कारण चालक तार RS के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मैंने कितना बनाया है, B1। तो हमने लिखा कि B1 बराबर कितना उत्पन्न होगा, अब हम जानते हैं
कि अगर ये चालक तार कोई भी है उसमें धारा अगर बह रही है तो याद करो पिछले कुछ निगमन करके आए हो, ठीक। तो B1 बराबर, अगर धारा बह रही है तो कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, B1 बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और उसके बाद I और बटे में क्या R। और इन चालक तार के बीच की हमने दूरी तो बताई ही नहीं, तो हमने मान लिया कि इनके बीच की दूरी कितनी है R, इनके बीच की दूरी कितनी है R, समझ गए। धारा भी ऊपर की ओर बह रही है, नीचे वाला हमने कुछ किया नहीं, ठीक, समझ में आया। अब हमने क्या किया, देखो B1 के कारण B1 कितना होगा, अब धारा कितनी भरी I1, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे I1, 1 लिखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने पहले नहीं लिखा था आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो B1 बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R, ये इसके कारण उस बिंदु पर उत्पन्न हुआ है। ये भूल जाओ कि जो हमारा तार है यहाँ पर कहीं बना है, मान लो कि एक तार है और कुछ दूरी पर, याद करो यार ये हमने कर रखा है, याद आया, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर क्या 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। बोलो इतना समझ में आया, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। चलो अब क्या करते हैं, देखो अब हम क्या करते हैं कि ये जो बल है ना इसको ज्ञात करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये कितना बल लगेगा, ठीक। जो PQ के कारण RS पर जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, ठीक। तो हम यहां लिखेंगे कि ध्यान से सुनना बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। PQ के कारण, PQ के कारण, ठीक है, PQ के कारण चालक RS में बहने वाली चालक तार में RS, चालक तार RS में I2 धारा प्रवाहित हो रही है, कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, I2 धारा प्रवाहित हो रही है, अतः RS, अतः I2 धारा के कारण लगने वाला बल, अब बच्चों क्या कर रहे हो, लगने वाला बल निकाल रहे हो, ये निकालते हैं इसके ऊपर जो बल लग रहा है उसका मान निकालते हैं। तो F बराबर क्या होता है फॉर्मूला, IBL और साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है IBL साइन थीटा, क्लियर। अब सुनिए धारा कौन सी है I2, चुंबकीय क्षेत्र कितना है B2, हमने क्या लिख रहा है, लिख रखा है धारा I2 के कारण लगने वाला जो बल, इस RS पर जो लगेगा बल I2, B2 और लंबाई कितनी है L, तो उसमें कोई छेड़छाड़ करने का नहीं, ठीक। अब साइन थीटा, अब देखो ना ध्यान से, ये जो धारा है ना वो ऊपर की ओर बह रही है, और अगर हम ये इमेजिन करें कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र है, धारा ऊपर की ओर बह रही है और ये लंबवत रखा है, ये लंबवत रखा है। इमेजिन करो कि यहाँ पे कुछ लाइन है, यहाँ पे इमेजिन करो कि कुछ लाइन है, ऐसे ऐसे बनी है, और ये तार उसके लंबवत रखा है, ऐसे इमेजिन करो कि कुछ लाइन बनी है और ये तार ऐसे लंबवत रखा है, तो कितना कोण बनाएगा सर यहाँ पे, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, क्लियर। तो इसलिए हम बोलेंगे कि थीटा कैसा है बच्चों, 90 डिग्री, क्योंकि बच्चों देखो बच्चों क्यों 90 डिग्री है, तार RS कैसा है, लंबवत है, ये बात समझ में आ गई, अभी मैं पूरा रिकैप करूंगा, बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक। तो हमने क्या किया, ये निकाल लिया, अब हम इसमें वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं, तो नए पेज पे जाते हैं, वैल्यू रखते हैं, ध्यान से देखो बेटा, ठीक। तो हमारे पास F बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, I
टू बी वन की वैल्यू को रखते हैं, क्या थी? म्यू नॉट अपॉन टू पाई और उसके बाद आई वन अपॉन आर और उसके बाद बच्चों एल और साइन वो 90 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से यहाँ से आया मेरे पास कि म्यू नॉट अपॉन टू पाई और उसके बाद बच्चों आई वन आई टू अपॉन में क्या हो जाएगा आर और उसके बाद ये बचेगा एल। ये हो गया हमारा इतना। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक, अब ये कैसा है, ये इसका यूनिट क्या हो गया बच्चों? न्यूटन। ये क्या निकाला है? न्यूटन। समझ में आई बात? चलिए अब हम सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। अब हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना, दो मिनट लेंगे, कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा सारी चीज़ें। ठीक यार, ये साफ नहीं होगा क्या? नहीं, वो साफ नहीं होगा। चलो तो फिर क्या करोगे सर, देखते हैं। देखो सुनिए बच्चों, इतना हो गया। अब मैंने ये किया था कि इस पे जो बल लग रहा है वो अंदर की ओर, इस पे जो बल लगेगा, अब उसके बाद बात करते हैं। देखो ये धारा इसमें भी ऊपर की ओर बह रही है, इसमें भी धारा ऊपर की ओर बह रही है। तो देखो हमने क्या किया, इसमें भी धारा ऊपर की ओर बह रही है। अब इसके कारण इस बिंदु पर निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र। सुनिए ध्यान से, इसके कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो देखिए क्या कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अपनी उंगलियां कर दी। ध्यान से सुनना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अपनी उंगलियां कर दी। और जब हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अपनी उंगलियां कर देंगे, देखो क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अपनी उंगलियां कर देंगे, यह धारा बह रही है। यह धारा क्या हो रही है? बह रही है। तो इसमें जो बल लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा। क्लियर? तो यहां से मैं जो बोल रहा हूं कि भाई ये बल की दिशा को हमने दिखा दिया ऐसे। क्लियर? ये हो गया बल। और यहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो कैसा हो गया? बीटू। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई? कुछ था इसमें? परेशान हो जाओगे अगर बहुत ज्यादा डीप में गए तो, इतना ही काफी है। ठीक, अब सुनना, अब क्या करने जा रहे हैं हम। अब मान लो ये एक चालक तार है और ये एक चालक तार है, इसकी कहानी जरा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये जो चालक तार यहाँ बनाए हैं हमने, इसमें जो धारा बह रही है वो हमने बताई आई वन और इसमें जो धारा बह रही है वो हमने बताई आई टू। ये चालक तार का नाम पी और क्यू, इसका नाम आर और एस। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, देखो इसमें धारा किधर को बह रही है? ऊपर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा? उस तरफ। तो इसके कारण यहां पर कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक, और जो बल लगेगा, ध्यान से सुनिए, यह चुंबकीय क्षेत्र, यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उधर को। ठीक, उधर को जा रहा है। अब उसके बाद यह मेरा अंगूठा, अभी जो बल लग रहा है वो अंदर की ओर लग रहा है, अंदर की ओर बल लग रहा है बच्चों। आप सुनिएगा ध्यान से, प्रयोगों द्वारा देखा गया था लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि यह बल अंदर की ओर लग रहा है। अब उस पर जाते हैं, उसको देखो, इसको देखो, धारा किधर को बह रही? नीचे की ओर। हम क्या करेंगे, ऐसे कर रहे हैं अपना, ये धारा की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र इधर को। क्यों सर, उधर ही को क्यों? आप ऐसे भी तो कर सकते थे, ऐसे भी तो आप कर सकते थे कि धारा देखो सर नीचे की ओर बह रही है और आप ऐसे दिखा देते, उधर चुंबकीय क्षेत्र कर देते। बेटा उसके कारण इस पे चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है, तो हमने मान लिया है कि इसके कारण यहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ये हो रहा है, तो इसलिए हमें अपनी दिशा को इधर ही रखना पड़ेगा। तो ऐसे हो गया, ये धारा की दिशा नीचे की ओर, ये चुंबकीय क्षेत्र, अब बल कहाँ है? वो भी अंदर की ओर है। क्लियर हुआ इतनी बात? तो इसका मतलब ये एक दूसरे पे कैसा बल लगा रहे हैं? प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं। क्लियर हुआ, समझ में आई बात? तो अब ये इधर को आएगा, इस पे एक बल लगेगा, इस पॉइंट से मिलाना आप लोग, ठीक है, पॉइंट से मिलाना, और ये उधर को जाएगा। क्लियर? अब ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को काफी अच्छी तरीके से, समझ में आया। अब जब आप इस PQ तार में बहने वाली धारा के कारण आप चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते थे तो B1 था, अब RS के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, RS में बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B2 के कारण लगने वाले बल को ज्ञात करोगे इस तार पर, तब भी सेम ही आएगा, सेम आएगा। कैसे सर? मैं आपको दिखाता हूं, सुनो, हमने तो यह निकाल लिया इतना। ठीक, अब इसी प्रकार
इसी प्रकार आर एस तार में, मैं स्पेस क्यों छोड़ा हूं बताऊंगा अभी, आर एस तार में बहने वाली धारा आई टू के कारण पी क्यू तार के किसी बिंदु पर, बेटा फिजिक्स पढ़ते वक्त आप इतना ध्यान रखना कि पेशेंस बहुत जरूरी है, ठीक। इसी प्रकार आर एस तार में बहने वाली धारा आई टू के कारण पी क्यू तार के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना निकाल लिया आपने, बी टू निकाल लिया, ठीक है। चुंबक उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना निकाला आपने, बी टू, और बी टू बराबर जो आएगा वो फॉर्मूला आएगा टू म्यू नॉट अपॉन टू पाई। और इस बार जो धारा, कैसी है धारा, आर एस तार में बहने वाली धारा आई टू के कारण, तो ये आएगा आई टू और उसके बाद अपॉन में आर, क्योंकि दूरी तो सेम है। इतना करोगे, इतना करने के बाद फिर क्या होगा, अब ध्यान से देखना, ठीक। अब हम लिखेंगे पी क्यू तार पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। अब देखो पी क्यू तार पर लगने वाला बल F है ना, हमने फॉर्मूला क्या लिखा, पी क्यू तार में कितनी धारा बह रही थी, I1, तो हमने लिखा I1, और उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र कितना था उसमें बेटा, B2 था, देख लो, देखो B2 चुंबकीय क्षेत्र है, और उसके बाद L और साइन सभी को पता है कि 90, क्योंकि वो भी लंबवत ही है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, I1 हो जाएगा, B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B2 की वैल्यू कितनी है बेटा, म्यू नॉट अपॉन टू पाई, और उसके बाद I2 अपॉन में R, और उसके बाद बेटा L और साइन थीटा, वो तो गायब हो गया, ठीक। और ये F, तो यहाँ से भी देखो सेम फॉर्मूला बनकर आ रहा है, I यहाँ से भी आ रहा है कि म्यू नॉट अपॉन टू पाई, और उसके बाद I1, I2 और अपॉन में R और इंटू में L। बोलो सेम आया कि नहीं, क्लियर हुआ, इतना समझ में आया, देखो सेम फॉर्मूला आया कि नहीं। इसका मतलब बल का परिमाण तो क्या है, समान है, समझ गए। अब सुनिए, ये जो बल निकाला है वो मैंने कैसे निकाला है, कैसे निकाला है बच्चों, ये बल तब निकाला है जब उस तार की लंबाई कितनी थी, L। तो हमने ये लिखा है कि ये प्रति एकांक लंबाई में लगने वाला बल ये नहीं है, ये टोटल बल निकाला है। अब हमें प्रति एकांक लंबाई में लगने वाला बल निकालना है, समझ में आई बात, नहीं समझ में आया, सुनो, ये बल हमने निकाल लिया, अब हमें निकालना है प्रति एकांक लंबाई में बल। मान लो हमारी लंबाई एक मीटर है, हम पे जो बल लगेगा उसे कहेंगे प्रति एकांक लंबाई पे लगने वाला बल, ठीक। वो सर कैसे निकलेगा, इस एल को उठा के नीचे ले आओ और यहां लिखोगे कि अतः प्रति एकांक, प्रति एकांक लंबाई एल पर, एल मत लिखना, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, ओके बेटा। अब ये प्रति एकांक पे करोगे तो एफ अपॉन एल नीचे आएगा, और उसके बाद, और उसके बाद बेटा आ जाएगा म्यू अपॉन टू पाई, ठीक है, और आई वन, और उसके बाद आई वन आई टू और डिवाइडेड बाई आर। समझ में आ गई इतनी बात, क्लियर हुआ। अब जिनको लगता है कि इसका मतलब भी न्यूटन होगा वो गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये बल तो था इसलिए न्यूटन था, ये प्रत्येकांक लंबाई में है, मतलब न्यूटन को मीटर से डिवाइड किया गया है, तो इसका मात्रक न्यूटन मीटर हो जाएगा, क्योंकि प्रति एकांक लंबाई में लगने वाला बल है। समझ में आई इतनी चीज। यहां पर भी आप कर सकते हो कि F बराबर F अपॉन L बराबर म्यू नॉट अपॉन टू पाई, और उसके बाद I1 और I2 और डिवाइडेड बाई R। अब सुनिएगा मेरी बात फिर से ध्यान से, अब ध्यान से फिर से सुनो मेरी बात, जो अब बताने जा रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर क्या मैं इसको डायरेक्ट कर सकता था, इसी प्रकार आर एस तार में बहने वाली धारा आई टू के कारण पी क्यू तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, ये करते और डायरेक्ट लिखते पी क्यू तार पर लगने वाला बल, और डायरेक्ट आप इसको कर सकते हो। लेकिन यार दो लाइन अगर बढ़ के लिख लोगे तो आगे जब आप पढ़ोगे एग्जाम टाइम में तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ऐसा मेरा मानना है।
इसलिए मैंने दोनों किया। स्कूल वगैरह में या बुक्स में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी डायरेक्ट लिखा हुआ है, बट मैंने दोनों इसलिए किया ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से बेहतर समझ में आए। हमें उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हुई होगी, ये पूरा निगमन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आप जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। हमें उम्मीद है इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब ध्यान से सुनिएगा, जो अब बताने वाले हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल बच्चों, अब ये नोट है एक, ठीक है, ये एक प्यारा सा नोट है आपके लिए, आप इसको अच्छे से लिख लो प्लीज़। ये नोट है आपके लिए, देखो बेटा, देखो ध्यान से, नोट क्या है सर? नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि दोनों तारों, यदि दोनों तारों आई वन, दोनों तारों पी क्यू व आर एस में बहने वाली धाराएं समान हो, कैसी हो बेटा, बहने वाली धाराएं समान हो, तब क्या होगा? तब हम बोल सकते हैं कि जो I1 होगी वो हमने मान लिया कि I के बराबर है, और I2 भी जो है वो भी I के बराबर है, ये हमने मान ली बात, ठीक। अब हमने अपना फॉर्मूला लिखा, और अब जो मेरा फॉर्मूला बनकर आएगा वो कुछ और आएगा। क्या बन के आएगा सर? वो बनकर आएगा बेटा F अपॉन L, और उसके बाद 2 ही क्यों लिखते हैं सर, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और उसके बाद I इंटू आई डिवाइडेड बाई आर। तो ये फार्मूला हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई स्क्वायर और अपॉन में आर। ये हो गया हमारा, ये नोट था जो मैंने आप लोगों को यहां पर बताया, और ये काफी इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसकी बात काफी यहां पे आपको बताना जरूरी था, इसलिए बच्चों मैंने आपको ये बताया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, रुकिएगा जरा, मैं इसको थोड़ा ऊपर पहुंचाता हूं। ये उतना फ्लुएंसी के साथ नहीं चलता, चलो अब इतना हो गया, ठीक, रुकिएगा। रुकिएगा बच्चों, ठीक है, चलो अब बात करते हैं कुछ और, ध्यान से सुनो। अब हम बात करते हैं एक एम्पियर की परिभाषा। बेटा ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए, ठीक। एक एम्पियर की परिभाषा ये एग्ज़ाम में आती है, ठीक है सर। कैसे आती है बेटा? ये पूरा निगमन आएगा और उसके साथ लिख देंगे कि इसके आधार पर एक एम्पियर की परिभाषा बताइए। तो ध्यान से सुनो, मान लो ये आर का मान एक हो जाए, ठीक, और प्रति एकांक लंबाई पर इसमें जो बल लगे वो क्या हो जाए, ध्यान से सुनिए, प्रति एकांक लंबाई पर बल जो एफ हो जाए वो 2×10⁻⁷ न्यूटन मीटर हो जाए। सर ये वैल्यू कहां से आ गई, इसकी भी बात करेंगे अभी हम, ठीक। ये 2×10⁻⁷ न्यूटन मीटर, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, एक एम्पियर, मैं इसकी बात करूंगा ये कहां से आया, एक एम्पियर वह धारा है जो दो लंबे सीधे रज रेखीय परस्पर एक मीटर दूरी पर रखे दो तारों के बीच 2×10⁻⁷ दो तारों के बीच प्रति एकांक लंबाई पर 2×10⁻⁷ न्यूटन मीटर बल का अनुभव करती है। बात समझ में आ गई? एक एम्पियर वह धारा है जो दो लंबे, सर दो लंबे मतलब ऐसे दो लंबे तार हो गए, इनके बीच में दूरी कितनी है एक मीटर, ये लंबाई कितनी है L, तो एक मीटर पे मान लिया हमने एक मीटर लंबाई है, L बराबर हमने कितना दे दिया एक मीटर, तो हमने लिखा एक एम्पियर वह धारा है जो दो लंबे सीधे समांतर निर्वात में रखे
एक निर्वात में परस्पर 1 मीटर दूरी पर रखे तारों में, 1 मीटर दूरी पर रखे तारों में प्रति एकांक लंबाई पर 2×10^-7 न्यूटन मीटर बल का अनुभव करती है इन तारों में प्रवाहित होने वाली धारा। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। जिसको अभी ऊपर नीचे डिफिनेशन लग रही होगी तो मैं लिखा लिखाया बता देता हूं बेटा। 1 एम्पियर वह धारा है जो निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 रेखीय लंबे व समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2×10^-7 न्यूटन मीटर बल का अनुभव करती है। हमें उम्मीद है ये बात आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े हम लोग अब, ठीक है। तो ये हमारी हो गई 1 एम्पियर की परिभाषा। उम्मीद है ये निगमन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं एक दूसरा, एक कोई हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। हम एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं और देखा कि एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर दूरी पर रखे 2 लंबे सीधे समांतर तारों ए व बी क्रमशः 8 एम्पियर और 5 एम्पियर की विद्युत धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। मतलब एक तार ये है, एक तार ये है, ठीक। दो हमारे पास ये तार हैं। अब एक तार में धारा बह रही है बच्चों कितने एम्पियर की? 8 एम्पियर की। दूसरे तार में धारा बह रही है 5 एम्पियर की और ये कितनी दूरी पर रखे हैं? 4 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर रखे हैं बेटा? 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। फिर पूछ रहे हैं कि तार ए के 10 सेंटीमीटर खंड पर बल का आंकलन कीजिए, है ना। तार ए के, ये जो हमारा ए तार है और ये बी है, इसके 10 सेंटीमीटर खंड पर, मान लो 10 ही सेंटीमीटर का है ये, ऐसा मान ही लो बच्चों, ठीक ठीक है। ये हमने मान ही लिया कि ये 10 ही सेंटीमीटर का तार है और इस पर कितना बल लगेगा वो हमें ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों बहुत आसान है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आर बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर और I1 का मान दिया है हमें 8 एम्पियर, ओके। I2 का मान दिया है बालक कितना एम्पियर? 5 एम्पियर, है ना। इतनी बात समझ में आ गई। इनके बीच की दूरी भी हमको दे दी 4 सेंटीमीटर और L का मान दिया है हमको 10 सेंटीमीटर, ठीक। चलो ये हमें 4 सेंटीमीटर दिया है तो हम पहले इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.4, भाई इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.04 मीटर आएगा और इसको भी हम चेंज करेंगे तो 0.04 मीटर आएगा। हम फार्मूला जानते हैं, ठीक है। हम एक फार्मूला जानते हैं, हल करेंगे कि F अपॉन L म्यू जीरो अपॉन 2 पाई। हाँ एक बात रह गई, I1 I2 अपॉन R, ठीक। मैं ये बताना भूल गया कि ये वैल्यू कहाँ से आई थी। सुनिए ध्यान से, फॉर्मूला है F अपॉन L और उसके बाद इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 2 पाई। याद होगा आपको, इसकी वैल्यू सर ने आपको बताई थी, यही होती है। और I का वैल्यू मैंने बोला कि अगर 1 एम्पियर होगा तो I स्क्वायर और उसके बाद R की वैल्यू 1, तो बोलो ना इसका वैल्यू कितना आता है? 2×10^-7 न्यूटन मीटर। तो इसीलिए F अपॉन L का ये वैल्यू आ गया और प्रत्येकांक लंबाई पर इतना ही बल लगेगा। समझ गए? चलो आ जाओ अब इस पे देखो, इसका वैल्यू कितना होता है? 2×10^-7 8×5, R का मान 0.04, ठीक। और F और L का मान 0.,  यार मैं क्या कर रहा हूँ, रुकना बच्चों, इसको हम 100 से भाग करेंगे ना, 100 से तो 0.1 मीटर आ जाएगा, ठीक। मैं गलत लिख गया था, F अपॉन L और यहाँ से आएगा हमारे पास 0.1, ठीक। तो यहाँ से हम निकालेंगे F अपॉन 0.1, ठीक है। इसको हम ऊपर लेके जाते हैं उस तरफ, इसको देखो, 2×8=16 और 16×5 कितना होता है? 80। भाई 8×5=40, 40×2=80, ऐसा भी कर सकते हो। तो 80×10^-7 और ये 0.1 उठ के यहाँ आ गया,
टिक, और उसके बाद 0.04। अब हमें क्या करना पड़ा है, देखो हमने एक यहाँ पे जीरो बढ़ा लिया और ये जीरो हटा दिया बच्चों, ठीक। अब मेरे पास आया 80 गुणे 10 बटे में 4 और गुणे 10 की घात माइनस का 7, ठीक। 4 एक कम 4, 4 दुनिया 8, इसको हमने काट दिया, ठीक। कितना हो जाएगा 20, इसको गुणा कर दिया 200 हो जाएगा, तो आ जाएगा 200 गुणे 10 की घात माइनस 7। 200 का मतलब क्या होता है, 2 गुणे 10 की घात 2 है ना, और 10 की घात माइनस का 7, तो यहाँ से आ जाएगा 2 गुणे 10 की घात माइनस का 5। और बच्चों यही बल हमें यहाँ से मिलेगा और ये न्यूटन। बोलो क्या इतनी बात समझ में आ गई, कुछ था नहीं कठिन। आर का मान निकाल लिया हमने और आई था एल था सारे हो गए, वैल्यू पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया, ठीक। अब कैसा लगा है सेशन ये आपको बताना है, बाकी हमारी तो हालत ख़राब हो ही चुकी है रिकॉर्ड करते करते, है ना। देखो अब अगर आपको फिर बता दें नोट्स चाहिए मेरा, तो आप कहाँ से क्या करोगे, टेलीग्राम को आप हमारे ज्वाइन कर सकते हो फ्री में, कुछ पैसा नहीं देना अलग से। और उसके बाद आपको अगर सेशन अच्छा लगा है, सब कुछ आपको अच्छा लगता है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कर ही दिया होगा अब तक। और उसके बाद बाकी सेशन अच्छा लगा है तो सेशन लास्ट में लिख के जा सकते हो, गुरु जी हैं तो संभव है, हमें उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करते रहिए क्योंकि इसके सिवा लाइफ में कुछ नहीं है। अगले सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसकी बात करते हैं। अगला सेशन जो हमारा होगा उसमें हम पढ़ेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण, टाऊ का हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे एक पूरा डेराइव करेंगे, ठीक। चलो बाय, टेक केयर।